हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और सॉरी, मैं इधर वीडियो जो है वो 2-4 दिनों से रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ट्रेवल में थी तो काफ़ी थकान रहता था और टाइम भी नहीं मिलता था। रात में मिलता भी था तो थकान की वजह से कुछ कर नहीं पाती थी। पर मैं अब रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं घर पे आ गई हूँ। और ये हमारा नैनीताल में दूसरे दिन का है वीडियो। तो दूसरे दिन हम कहाँ कहाँ घूमने गए ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हम गए हैं घूमने के लिए, इको कैब पार्क था। तो यहाँ पे इस पार्क में सिर्फ गुफाएँ ही गुफाएँ हैं, तो वहाँ यहाँ पर हम गए थे घूमने। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी मतलब चढ़ाई थी, उसके बाद जो है गुफा वगैरह था। और हर गुफा में अलग अलग जानवर का मतलब जैसे घर था तो लिखा हुआ था। तो ये वही पार्क है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बांस का पेड़ हमारी तरफ होता है वो थोड़ा मोटा मोटा होता है, पर यहाँ पे मैंने देखा कि बांस का पेड़ काफ़ी पतला पतला होता है। तो यही यहाँ का जो है एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद थोड़ी देर जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा गुफा वगैरह देखने को। तो काफ़ी अंदर जाना पड़ता था, एकदम से अंधेरा रहता था अंदर में। और ऊपर चढ़ाई उतराई अजीब तरह का था, आप देखिएगा आगे। यहाँ पे जो है गुफा बनी हुई थी, पर गुफा में जानवर नहीं थे, सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ था। और इसके अंदर उतरने में चढ़ने में मतलब हालत ख़राब हो रहा था, क्योंकि कहीं कहीं चढ़ना रहता था, कहीं काफ़ी नीचे उतरना रहता था, तो बहुत मुश्किल था। सभी लोग इसमें जा नहीं पा रहे थे, पर मज़ा आ रहा था घूमने में। तो इस तरह का बहुत सारा केव बना हुआ था इस पार्क में। और काफ़ी अंदर में अंधेरा था, ऊपर नीचे रास्ता भी था पतला सा टेढ़ा मेढ़ा, तो हमें बहुत डर लग रहा था। हम मुश्किल से 4-5 गुफा ही घूमे, बाकी सब हम छोड़ दिए क्योंकि बहुत टाइम लगता। और सबसे ज़्यादा ये था कि डर ज़्यादा लग रहा था, गिरने का डर ज़्यादा लग रहा था। तो हम बस 4-5 घूमे, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ से है जो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, ये जो छतरी वाला जगह है ना, यहाँ से तो यहाँ से इसके बाहर जाने का रास्ता है। तो एक बार मैं आपको सामने से इसको दिखा देती हूँ कि ये इको केव पार्क किस तरह का सामने से दिखता है, फ्रंट का इसका।
तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का पहाड़ है, और इसी पहाड़ के अंदर सारा गुफा जो है वो बना हुआ है, तो इसी के अंदर हम गए हुए थे और यहाँ से ये रास्ता है। तो इसके बाद हम गए थे लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, जो कि ये सारा कुछ नैनीताल में ही पड़ता है। तो कुल मिला के हम शायद 8 या फिर 10 पॉइंट ऐसे करके घूमे थे। तो ये लवर्स पॉइंट है, तो लवर्स और सुसाइड पॉइंट दोनों एक ही जगह था। तो हम लोग इसी बात वहाँ पे सारे लोग हंस रहे थे कि अगर मतलब प्यार में धोखा मिला तो यहीं से सुसाइड कर लो, अगर प्यार एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर सुसाइड करना तय है। तो ये सारा कुछ सच में अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ से अगर आप सामने का नज़ारा देखें ना तो काफ़ी मस्त वाला था, लेकिन अगर नीचे का आप देखें तो काफ़ी डेंजर था। तो मैं ज़्यादा कुछ मतलब ऊपर चढ़ के उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे डर लग रहा था सारा ये जो है ना इस तरह का, देखिए रास्ता किस तरह का है, तो डर लग रहा था इधर उधर चढ़ के मुझसे नहीं हो पाता, और ये सारी रिकॉर्डिंग मैं खुद ही कर रही थी। पर फिर भी मैंने कोशिश किया कि जो जितना हो सके मैं कैच करूँ। तो नीचे में जो है ना वो है सुसाइड पॉइंट, और जो जब जाते वक्त जो फ्रंट में पड़ता है वही लवर्स पॉइंट है। तो ये आप देख लीजिए किस तरह का है। और इसके बाद हम गए थे हिमालय व्यू करके कोई जगह है, मतलब वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है, जैसे रानीखेत और कौन कौन सा जगह वो लोग दिखाते हैं दूरबीन से, और एक मंदिर भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्लाउड था, तो क्लाउड की वजह से हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था, तो हम दूरबीन में देखे भी नहीं क्योंकि क्लाउड था तो कुछ दिखता ही नहीं, फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो बस हमने जो सामने से पहाड़ वगैरह दिख रहा था पूरा नैनीताल दिख रहा था, तो वही हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे आप बादल देख सकते किस तरह से उड़ रहा है, तो बादल सच में बहुत सारा मुझे देखने को मिला पास पास से, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंडी, रुक रुक के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी। और इसके बाद हम ये वाली जो जगह है ये भी एक व्यू पॉइंट है, तो यहाँ से आपको जो नैनीताल लेक है वो मैंगो शेप में दिखता है। तो ये वही वाला लेक है जो नैना देवी टेम्पल के पास है, वही वाला लेक यहाँ से आपको मैंगो शेप में दिखेगा, तो ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये भी एक पॉइंट है वहाँ का घूमने वाला है, यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत दिखता है नैनीताल झील, बिल्कुल मैंगो के शेप में दिखेगा। मैं अच्छे से कैच नहीं कर पाई हूँ पर एकदम मैंगो के शेप में दिखता है, और ये यहाँ का रास्ता है। और यहाँ पे घूमने के बाद फिर हम गए थे खुरपा ताल, तो ये जो है वो खुरपा ताल का व्यू है। तो यहाँ पता ना खुरपा ताल का मतलब क्या है, ताल तो एक है यहाँ पे छोटा सा झील है, और उसके बाद खुरपा ताल ये मैं समझी नहीं, पर यहाँ का जो नाम है ये खुरपा ताल ही कहलाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फसल वगैरह यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं, पता ना पहाड़ों में कैसे खेती कर लेते हैं, बता रहे थे यहाँ पे लोग की मतलब लोग नहीं ड्राइवर बता रहा था हमें कि मिट्टी दूसरे जगह से लाया जाता है फिर उसको फैला के वहाँ पे फसल उगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ों में लोग कैसे खेती करते हैं, और अच्छा लग रहा था यहाँ से भी ये सारा कुछ देखने में। और ये एक छोटा सा यहाँ पे झील है, तो ये जो नाम है वही खुरपा ताल नाम है इसी का, और इसके सामने में ये ढेर सारा घर बना हुआ है। तो ये भी नज़ारा मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में ये सारा कुछ। और उसके बाद ये जहाँ से मतलब दिखता है, जहाँ से इसको ले जाते हैं दिखाने के लिए, वहीं पर मनसा देवी टेम्पल है। तो मनसा देवी टेम्पल कोई ख़ास मतलब ऐसा बड़ा कोई टेम्पल नहीं है, बस एक छोटा सा मंदिर है तो मनसा देवी माँ का है। तो वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, इसमें आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो खुरपा ताल और मनसा देवी टेम्पल दोनों एक ही जगह पर है।
तो ये जो रास्ता है वहाँ पे जो सामने मंदिर दिख रही है आपको, वही है मनसा देवी टेम्पल। और यहाँ पे हम आए थे वुडलैंड वाटरफॉल देखने, तो यहाँ से चढ़ के जाना होता है। ये आप देख सकते हैं सामने में नाम यहाँ के वाटरफॉल का, और ये ही इसका रास्ता है यहाँ से। सामने में एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, एक दो है मतलब दो तीन है। और ये आप देखिए यहाँ से रास्ता, तो वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए यहाँ भी काफ़ी ऊपर चढ़ के जाना था, तो मेरा तो हालत ख़राब हो रहा था। पर गए थे घूमने तो घूमने गए थे, देखने गए थे तो फिर आराम करने से थोड़ी ना देखने को मिलता है, इसलिए चढ़ना तो था ही। और यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा था झरना जो है वो, तो मैंने यहाँ से भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, उसके बाद मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। तो ऊपर भी जाने के लिए मुझे और चढ़ना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पे गए थे तो जैसे ही हम झरने के पास पहुँचे थे बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो फिर करीब 10-15 मिनट के लिए हम यहीं पर पेड़ के नीचे आ गए थे। और उसके बाद जब बारिश बंद हुई तो फिर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। और बारिश बंद होने की वजह से जितने सारे मतलब बारिश स्टार्ट हुई थी तो जितने सारे लोग थे सारे इधर उधर हट गए थे, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब खाली खाली सर दिखा तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में मज़ा आया। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मतलब पैर जो है वो स्लिप कर रहा था, मैं क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ मैं पहुँची थी, पर अच्छा लग रहा था। और ठंडी भी ज़्यादा थी ना, इसलिए ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई मैं बारिश बारिश में। और रिकॉर्डिंग के चक्कर में और इंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि रिकॉर्ड करने के चक्कर में लगी रहती थी। और वहाँ पे फिर हम लोगों ने वाटरफॉल देखने के बाद फिर हम आ गए थे नीचे। तो ये वही नैनीताल लेक है जहाँ पे हम फिर दूसरे दिन आए थे। तो लगभग 7-8 पॉइंट था जो नैनीताल के अंदर ही था, और वो हमारा शाम तक लगभग 4:30 बजे तक पूरा हो गया था। तो उसके बाद मौसम भी थोड़ा सा साफ हो गया था, धूप हल्का सा निकल गया था। तो फिर हम दोबारा से आए थे नैनीताल, जो झील है नैनी झील, उसमें आए थे बोटिंग के लिए। तो यहाँ पे तो सच में बहुत मज़ा आया था। दोबारा से हम लोगों ने 1 घंटे तक पूरा बोटिंग खुद से जो पैंडल मार के करते हैं वो वाला हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे मज़ा आ रहा था। तो यही है मेरे दूसरे दिन का। और हम नैनीताल में 3 दिन स्टे, मतलब तीसरे दिन रात को हमारी वहाँ से ट्रेन थी, तो पूरा का पूरा हम लोगों ने वहाँ पे 3 दिन ठहरा। और जो तीसरा दिन था हमारा वो पूरा का पूरा बारिश में चला गया, क्योंकि तीसरे दिन से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मतलब 10 मिनट के लिए भी बीच में नहीं रुक रही थी, हर 5 मिनट में 3 मिनट में बारिश स्टार्ट हो रही थी। तो घूमना नहीं हुआ, मतलब बेकार का ही एक दिन हमारा चला गया। वैसे नैनीताल अगर किसी को घूमना है तो 1 दिन काफ़ी है। हाँ, अगर आप नैनीताल से बाहर जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे आसपास में भीमताल है और भवाली और क्या बहुत सारी जगह है नैनीताल के आसपास भी, तो अगर आपको वो सारा घूमना है तो फिर आप 2-3 दिन रह सकते हैं। बाकी अगर आप सिर्फ नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो 1 दिन नैनीताल में काफ़ी है। लेकिन हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था तो हमारा 2 दिन हो गया घूमने के लिए, 2 दिन, हाँ 2 दिन हो गया हमारा घूमने के लिए। और तीसरा दिन हम रुक गए वहाँ पे, और वो भी हमारा पूरा बारिश में चला गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मज़े किए थे, बाबू को भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी पैंडल मारने के लिए मतलब बोटिंग करने के लिए बोल रहा था, पर उससे प्रॉब्लम होता तो हम लोगों ने उसको करने नहीं दिया, और मज़ा आया था। तो चलिए फिर आगे का जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ, मतलब नेक्स्ट वाले में। तो इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसमें इतना कुछ ही
दिखाया है आपको। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे मतलब रिकॉर्डिंग करने का ऐसा कुछ, मैं इतनी अच्छी वो नहीं हूँ ना फोटोग्राफर जो अच्छे से चीज़ों को कैच कर सकूँ, अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ, पर मुझसे जितना हुआ है मैंने अपने हस्बैंड को बोला, पर वो मेरे से भी बेकार करते हैं। सो मैंने खुद ही सोचा कि मैं ही खुद से जो आता है वैसे मैं ही करती हूँ। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।